राम राम साथियों, हरियाली तीज की घनी सारी बधाई। और साहित्य संसार के आज के कार्यक्रम में अमले का आया हरियाणवी कवि सम्मेलन। हरियाणवी कवि सम्मेलन में मारे गेल हैं रोहतक ते डॉक्टर रमाकांता शर्मा जी। रमाकांता जी आपका स्वागत है। सोनीपत ते मारे गेल जुड़ी हैं सरोज दहिया जी, सरोज दहिया जी आपका भी स्वागत है। रेवाड़ी ते दलवीर फूल जी जुड़े हैं हमारे साथ। दलवीर फूल जी आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। कैथल से हमारे साथ जुड़े हैं सतपाल पाराशर आनंद जी। सतपाल जी आपका भी स्वागत, अभिनंदन। और फतेहाबाद से हमारे गेल जुड़ी हैं सुमन लता जी। सुमन जी आपका भी स्वागत है और अभिनंदन है। आज का हरियाणवी कवि सम्मेलन खास है हरियाली तीज खातर। हरियाली तीज की बात करांगे, हरियाणा की बात करांगे और तीज पर कविता सुनांगे। कार्यक्रम की शुरुआत करांगे सबसे पहले सरस्वती वंदना था। और सरस्वती वंदना खातर मैं आमंत्रित करूंगा सुमन लता जी ने। सुमन लता जी की कविता हरियाणवी में अनेक पत्र पत्रिका में छपी है और कई किताबों में उनकी रचना छपी है। इसके गेल हरियाणवी में उभरता नाम है सुमन लता। तो वंदना और रचना पाठ खातर आमंत्रित करूंगा सुमन लता जी। थारे बिना ज्ञान का नहीं किसे ने बेरा, ले सुरताल की जननी कर्जदार संसार तेरा। दया दृष्टि मेरे पे हो जा, बन जा जीवन मेरा। दूर कर दे मूर्खता अरले अज्ञान अंधेरा, दूर कर दे मूर्खता अरले अज्ञान अंधेरा। जय मां सारदे, अर्ज करूं सुमात सार दे, देना हमने इतना ज्ञान। निरख निरख के सब दाने में लिख पाऊं भारत की शान। धूप दीप फल फूल नहीं मां, भाव भाव ना ल्याई खास। धरती पे ते मिटा अंधेरा, जन जीवन में भरो उजास। एक तमन्ना मैया मेरी हो, एक दूजे खातिर प्यार। इतनी सी इच्छा लेके मां आई सुं मैं तेरे द्वार। इतनी समझती मां हमने, भले पूरे ने सका पिछाण। निरख निरख के सब दाने लिख पाऊं भारत की शान। शिक्षा की मां ज्योत जला दो, सुन ले मैया ये अरदास। आराधना करा हम मन ते, पूरी करना मैया आस। अच्छी सोच दिए माँ उनने, जीवाने जो देवे मार। बिटिया ने जो मारे कोख में, सदबुद्धि दे सोच सुधार। बेटी बिना प्रेम परिभाषा, जान सक्या ना यो इंसान। निरख निरख के सब दाने में लिख पाऊं भारत की शान। वाणी का सुख उनने दी माँ, भूल नहीं सके जो बाल। बिन बोले माँ उन बालका का, कौन समझ पावेगा हाल। विद्या दायिनी हंस वाहिनी, नमन नमन मां नमन हजार। अब जीवा प्रयाण बसो मां, हर लो सारे दोष विकार। आए सामा तेरी शरण में, दे दो बस इस दिना सा दान। निरख निरख के सब दाने लिख पाऊं भारत की शान। निरख निरख के सब दाने में लिख पाऊं भारत की शान, लिख पाऊं भारत की शान। तीज पर्व पर आपके सामने एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करती हूँ। लाल रंग की कोमल सीवा, तीज ढूंढ के ल्या त्योरे।
पींग घाल के सब ते पहलिया उसने आज जुला दियो रे ना 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 नीलिया दे कोथली उन ते फिर मिला दियो रे करड़ी करड़ी बने सुहाली नरम बुलगली लिया दियो रे नन्ही नन्ही बुंद्याला सुंदर राग सुना दियो रे लाल रंग की कोमल सी एक वातीज ढूंढ के लिया दियो रे घीवर फल अर खूब मिठाई बेसक बिभिया में से घीवर खांदे खांद्या ने पर याद पुरानी आवे से बचपन आले उन झूलिया ने चाके भी ना भूल सका बुढ़िया में अब गिनती होगी चाह की भी ना झूल सका साथन सारी दूर हो गई उनते आज मिला दियो रे लाल रंग की कोमल सीवा तीज ढूंढ के ला दियो रे लाल रंग की कोमल सीवा तीज ढूंढ के ला दियो रे पींग घाल के सब ते पहला उसने आज जुला दियो रे। अब आपके सामने एक मोबाइल के बारे में छोटी सी रचना पर आज यो आज बता दियो थमने मोबाइल ते कितना प्यार अखिया तरस गई सोवन ने बेसक तन हो जा लाचार फिर भी बैरी लग प्यारा इस बिन कदी न आवे चैन लगा काल जा रखे इसने भूले सारे दिन और रैन नफा और नुकसान तो इसके जाने है सारा संसार आजो आज बता दियो थमने मोबाइल ते कितना प्यार बिना मोबाइल नहीं गुजारा कती सुना लगे जहान अपनी फितरत छिपा रहा है मीठी बातें कर इंसान घर की घर में कैद हो लिए हो गए सारे घने लाचार आजो आज बता दियो थमने मोबाइल ते कितना प्यार शॉपिंग खाना और पढ़ाई इस पे हो जा सारे काम फिर भी सारे नुए कवैसे क्यों कर हो देने आराम निद्रा के नो रोग ने घेरा देते रोग रहा यूं मार आजो आज बता दियो थमने मोबाइल ते कितना प्यार दोष धरा हम क्यों बड़का पर जब मारा भी यूं हाल धीरे धीरे ये मोबाइल कर देगा हमको कंगाल रिश्ते नाते धन और दौलत इसके आगे लगे बेकार आजो आज बता दियो थमने मोबाइल ते कितना प्यार अखियां तरस गई सोवन ने बेसक हो चातन बीमार आजो आज बता दियो थमने। माँ के सारे लाड मोबाइल ने छीन लिए माँ के सारे लाड मोबाइल ने छीन लिए जी मेरा काली पावे वे दिन कड़े गए जी मेरा काली पावे वे दिन कड़े गए। कल तो हमारे गेल जुड़े हैं सतपाल पारासर आनंद जी। सतपाल जी की हरियाणवी में अनेक किताब छपी हैं चाहे वो गजल की है या दूसरी कोई भी हरियाणवी साहित्य की विधा है अनेक पुस्तक छपी हैं अनेक साहित्यिक संस्था हैं जिन्हें
सतपाल जी सम्मानित करे हैं। सतपाल जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच को नमन करते हुए दो पंक्तियां आज तीज के इस बड़े पावन अवसर पर। शेर सुहाड़ी गेवर फिरनी लेके न आवे भाई, शेर सुहाड़ी गेवर फिरनी लेके न आवे भाई, बाट देखरी मियां वर्गी तीजा पे माँ की जाई, बाट देखरी मियां वर्गी तीजा पे माँ की जाई। तो अपने त्योहारों में जहां जहां कुछ पुरानी चीजें छूटती जा रही हैं, उन्हीं को लेके कुछ पंक्तियां हैं जो मेरे रचना की हैं। उसका शीर्षक है सामण केवे गीत। सामण केवे गीत पाटड़ी झूले की, गिरगे चुंडे करे तागड़ी कुल्ले की। सामण केवे गीत पाटड़ी झूले की, गिरगे चुंडे करे तागड़ी कुल्ले की। कर खाटा की ओट नहाना जीवर कै, चक्की की गुंजार दलीजा मैं हिरके, और आरे की में दाल में रोटी चूल्हे की, गिरगे चुंडे कड़े तागड़ी खुल्ले की। बिना की में तान सुने दरवाजिया में, दरके बेस जनाना नाचे बाजिया में, लंबा सिर पे मोड़ चालवा दुल्हे की, और गिरगे चुंडे कड़े तागड़ी खुल्ले की। वे गोबर के रंग कोरड़े फागण के, बाबी तै डरके ने देवरे भाजण के, शेर सुहाली गई बात रस गुलगुले की, शेर सुहाली गई बात गुलगुले की, और गिरगे चुंडे कड़े तागड़ी कुल्ले की। और आखिरी पंक्ति है देखिए, गई दिला की बात तेरी मेरी रहगी, जात धर्म की कांध पता नहीं कद डैगी, सतपाल खाम का बैंस पुजारी मुल्ले की, और गिरगे चुंडे कड़े तागड़ी कुल्ले की। तो दूसरी रचना, मेरा हिंदुस्तान जगत में न्यारा सह, नील गगन में एक चमकता तारा सह, ताज हिमालय का चरणा में सागर सह, हरियाली की चादर पे सामन बरस है, देवलोक तय सुंदर देश हमारा सह, और नील गगन में एक चमकता तारा सह। छैल गाबरू गणे कमेरे लोग उरे, राजा बरगे खाने छप्पन भोग उरे, राता में कर रया चांद उजियारा सह, और नील गगन में एक चमकता तारा सह। और आखिरी बंद है, तीज त्योहार मनावे सारे रल मिलके, आपस में बतलावे फूला ज्यों खिलके, सतपाल ने अपना देश जानते प्यारा सह, और नील गगन में एक चमकता तारा सह, मेरा हिंदुस्तान जगत में न्यारा सह, नील गगन में एक चमकता तारा सह। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी। बहुत बढ़िया, बड़ी बढ़िया रचना अपने हरियाणा में रखी, और तीजा की बात करी, भारत की बात करी, कति तोड़ पाड़ दिया। दलबीर फूल जी का हरियाणवी में बड़ा योगदान है, 10 से ज्यादा पुस्तक इनकी छपली, और देश विदेश में हरियाणवी के मंचा पर काव्य पाठ करने का अनुभव है, और अनेक पत्र पत्रिका में इनकी रचना छपी, और उसके गेल हरियाणा भर की जितनी भी साहित्यिक संस्था है वह दलबीर फूल जी ने सम्मानित करके सम्मानित महसूस करें। तो दलबीर फूल जी ने आमंत्रित करूंगा। सामण की पड़े फुहार, मन में उठा उमाया, ताई चाची अर दादी सारा पड़ोस बुलाया, सारा पड़ोस बुलाया गुंगट अर डांठे में, गीत सामण का गाया, फिर लग गया ताड़ा बाजन जब ताई ने ठुमका लाया, देख कर हरियाणा के ठाठ आनंद में भरगी काया, देख कर हरियाणा के ठाठ आनंद में भरगी काया। मां शारदे को प्रणाम, मंच को प्रणाम। एक मुक्तक से जुड़ने का प्रयास करूं आपसे कि हंसने और हंसाने का सदा मैं काम करता हूं, हंसा कर ही बुजुर्गों का मैं रोशन नाम करता हूं, पता तक भी नहीं चलता खत्म कब खेल हो जाए, इसी खेल में सबको राम राम करता हूँ, राम राम करता हूँ। और आप सभी को ये तीज का महोत्सव, आपको सभी को मुबारक। और आइए, हमारी तीज क्या थी और अब क्या होकर रहेगी, कि भाई बहन प्यार का तीजों का त्योहार, भाई बहन प्यार का तीजों का त्योहार, त्योहारी सब ले चले बहनों के घर द्वार, बहनों के घर द्वार मिठाई लेके सारी, घेवर सेई खांड सुहाड़ी बड़ी करारी,
खै फूल कविराय घरों में तीज बटाई, भर भर बुकटा घाल बतावे आया भाई, बतावे आया भाई। और देखिए इसी शैली का ही एक छंद और, हरियाली इस तीज पे कसम उठावा एक, पेड़ लगा हर ठोर पे कर्म कमावा नेक, कर्म कमावा नेक पर्व की शान बढ़ावा, शुक्ल श्रावणी तीज हम अर्थवान बनावा, कहे फूल कविराय मनावा तीज निराली, बढ़े धरा श्रृंगार करो मिलजुल हरियाली रे भाइयो, मिलजुल हरियाली। और देखिए एक कविता आज इसका शीर्षक है, मारी आथाली चाकी अकदे जब या चाकी चाल्या करती, मारे घर की कुण कुण आल्या करती, एका सौ मन का उपरला पाट सौ मन का तरला पाट, दोनों पाट कति लीला था और निचले पाट में किला था, सब ते नीचे छोटी बड़ी दो कल बताई, जो चाकी हल्की भारी होने की चाबी बताई, दोनों पाट आपस में घिस घिस के और नाज पड़े गरण में पिस पिस के, माँ टिड्ढा पे बैठ चाकी घुमाया करती और सारा कुनबा ने पीस पीस खुआया करती, बेराना माँ के करे थी उस चून में, बेराना माँ उस चून में के करे थी, पेट भर जा था पर नीत ना भरे थी, आज खा जरूर सा पर भूखा मरता, ना वा चाकी रही ना वो दरदरा चून, मैदा वर्गा चून खा के होरे से बुरून, अने घर की लिछमी जान घर के भीतर दरिया करते, अरली पोते की पूजा करया करते, और देखे साल छह महीना में गुआरी आया करता और वो अपनी टाकी ते टक टक कर नराया करता, हम उसकी टक टक में नाच नाच दे तोड़ा करते, और गुआरिया भीतर हम बाहर आंगन फोड़ा करते, सगाई आले भी पहले इस तरह लखाओ थे, जिस घर चाकी उसने सराओ थे, और अपनी बेटी उससे घर ब्याह थे, अकदे की मी उप चुक हो जाएगी तो कमा के तो खा लेगी और अपना घर बसा लेगी, सारे ब्याह में इससे की करामात थी, ब्याह आतले इससे शुरुआत थी, चना ते दाल दाल ते बेसणिया बनाओ थी और बीस बीस लाडूया खुआओ थी, आज जब इसने देखू तो मेरा खून बड़े से या छाक पपड़ी घाम बड़े से, कदर करनी नहीं रहे नू रेती बेच रड़गी, सर्दी गर्मी चौमासे में भार पड़ी गलगी, बस या मेरी माँ की आखिरी निशानी बाकी से, पोता बोला दादा या के दर राखी से, मैं बोला मेरी माँ की आथाड़ी चाकी, मेरी माँ की आथाड़ी चाकी, मारे आथाड़ी चाकी, मारे आथाड़ी। बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हरियाणा जय हरियाणी। दलबीर जी बहुत बढ़िया, बड़ी बढ़िया रचना आपने प्रस्तुत करी, हरियाणा की बात करी और खास तौर पर जो बात मैं पहले कर रहा था, अक कढ़ोनी का दूध चूल्हे आरे नहीं रहे, बाजरे की रोटी अरकड़े सीत गए, माँ के सारे लाड मोबाइल ने छीन लिए, जी मेरा काली पावे वे दिन कड़े गए। और हरियाणा की इसी तरह की बात करने खातर मैं सरोज दहिया जी ने आमंत्रित करूंगा। सरोज दहिया जी हरियाणा साहित्य अकादमी से जन कवि मेहर सिंह सम्मान से सम्मानित हैं और हरियाणवी खातर अनेक किताब इनने लिखी हैं और अनेक हरियाणा भर की संस्था ऐसी हैं जिन्हें सरोज दहिया जी सम्मानित करी हैं, तो आमंत्रित करूंगा सरोज दहिया जी ने। सभी को प्रणाम। तीज का त्योहार है, उसी प्रसंग की कविता सुनिए। इसका शीर्षक है सामण यादा में। वे सामण ते आवे कोन्या जिनकी आवे याद मने, यादा में वे सामण बस गे रहे जिंदगी भर याद मने, वे सामण ते आवे कोन्या जिनकी आवे याद मने, यादा में वे सामण बस गे रहे जिंदगी भर याद मने, छोरी छारी बहु बोटली रल मिल पीग बदावे ती,
गए फौज में जिनके बाल में उनकी खैर मनावे थी। बैठ झूले पे याद पिया की मन नैनू तड़ पावे थी। किस पे बेड़ बटाऊ बे बे झूल झूलती गावे थी। आज मी सामण तेरे री बीर की आवे नण दी याद मने। यादा में वे सामण बस गे रह जिंदगी भर याद मने। जिनकी बेटी गई सास रे चाची ताई आवे थी। बगड़ बिछाड़े ठामा चूल्हा चून ओसणती पावे थी। मीठी मीठी बना सुवाड़ी चोटी मेहंदी ल्यावे थी। चूड़ी बिंदी गैल कोथड़ी बेटी के पहुँचावे थी। इब लगे नहीं कोथड़ी आई आवे भाई याद मने। यादा में वे समण बस गे रहे जिंदगी भर याद मने। सारे सामण गाड़ा के माँ फिरा करे थी मणियारी। रिबन चोटी शाही बिंदिया दिया करे थी बन जारी। मेहंदी चूड़ी बूढ़ सुहागण सारी खूब सजावे थी। ससुराल आता बांध सिंधारा सारी रल मिल खावे थी। आज गाल में गठड़ी मुठड़ी दिखते नहीं पता से मने। यादा में वे सामण बस गे रह जिंदगी भर याद मने। या हरियाली ती जैसी थी न्यारा रंग बखेरे थी। खीर सुहाड़ी घर घर बनती घी पूड़ा पैगे रहती। बहु बोटड़ी सज धज कहने लोर गीत की टेरे थी। बूंद जमा जमी बरसे थे नहीं झूलने गे रहती। सब कुछ सुपने बरगा लागे आवे सुपना याद मने। यादा में वे सामण बस गे रह जिंदगी भर याद मने। यादा में वे सामण बस गे रह जिंदगी भर याद मने। तो ये तो सुने आपने सरोज दही अजीत है तीजा के ऊपर बहुत बढ़िया गजब का गीत कति कमाल कर दिया। और ईब रोहतक चालांगे। रोहतक हरियाणा का गढ़ है। अरे हरियाणवे की बात हो रोहतक का जिक्र ना हो तो कति स्वाद नहीं आंदा। हरियाणवे की बात करने खातर रोहतक ते हमारे गेल जुड़ी हैं डॉक्टर रमाकांता शर्मा जी। रमाकांता जी की प्रतिभा अपने आप में विशेष है। गाना नाचना पढ़ाना मतलब सारे काम बहुमुखी प्रतिभा की धनी है रमाकांता जी। और हरियाणवे में 10 से ज्यादा किताब इनकी छपली और हरियाणा साहित्य अकादमी तक एक बार सम्मानित हैं और उसके गेल आकाशवाणी रोहतक की अनुमोदित गायिका भी हैं हरियाणवी की। तो रमाकांता जी आपका स्वागत है। प्रणाम। आप सबने पहला मैं तीज की बधाई दूंगी। सदा भवानी दाहिने गोरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बहर में अपने अपने गीतों की सुनाऊं सु उम्मीद करूं सो कि आपने पसंद आवे। झूले सारी है झूले सारी है
चीजा का त्योहार है सखी भिका लागे पिया के बिना झूले सारी है तीजा का त्योहार है सखी भिका लागे पिया के बिना लागी झड़िया सामन की रिम झिम बरसे लागी झड़िया सामन की रिम झिम बरसे पीहू पीहू करे पपैया पिया बिन मेरा मन तरसे फिका 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 लगे आज मने फिका फिका लगे आज मने पिया बिन सुना घर से पिया बिन सुना घर से डर से भारी है डर से भारी है किस पे करूं सिंगार हे सखी फिका लगे पिया के बिना फिका लगे पिया के बिना। तो अब मैं जब सामन का जिक्र आता है तो रिम झिम फुहारों की बात होती है तो एक गीत और सामन का ही सुनाऊंगी आपने मैं। के रुत बोले हेमा मेरी हरियल मोर के रुत बोले बणकी कोयली दादी जवाब दिया करती सामन बोले हे बेटी मेरी हरियल मोर भादो बोले बणकी कोयली केरे चुगेंगे दादी हरियल मोर केरे चुगेंगी बन की कोयली। अब के होएगा सम्मन में झूल बता दे हो मेरे डूंगर शाही बाप भराए चो मासा बेटी झूलती बटी बटाई है बेटी मेरी धरी पुरानी हो झूलने आली मर बण सास रे पाटड़ी घड़ा दे हो ओ मेरे डूंगर शाही बाबीर भरे चौमासा बेबे झूलती घड़ी घड़ाइए बेबे मेरी दरी पुरानी हो झूलने आई मर बने सास रे झूलो बेबे अपने सास रे। एक अपनी बेटी बचाओ पर मेरी एक मनपसंद रचना है वो मैं आपके साथ जरूर साझा करनी चाहूंगी। मन गर्भ में मरवा के मन गर्भ में मरवा के जन्म लेन ते मत रोके बहुत घना दुख पावे गिरी माँ अपनी बेटी ने खोके बहुत घना दुख पावे गिरी माँ अपनी बेटी ने खोके केक वे गर्म है बेटी अपनी माँ ने केक वे अरे धन दौलत की चाना कोना सुनंदी मांगू ना जिस पर रखेगी रह लूंगी मिलारी बेटी गुड़ लपेटी तील तागड़ी मांगू ना सारे घर का नौकर चाकर मांगू ना बासी कुसी खा लूं गिरी माँ बासी कुसी खा लूं गिरी माँ रात गुजारू सुख तै सो के बहुत घना
दुख पावे गिरिमा अपनी बेटी ने खो के मन गर्भ में मरवा के ने जन्म लेने ते मत रोके बहुत घना दुख पावे गिरिमा अपनी बेटी ने खो के। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बड़ी बड़ी गजब की बात तीज की करी और उसके बाद बेटी के ऊपर बड़ी बड़ी यार सच्ची बात आपने कही रमाकांता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों उम्मीद है कि आपने तीज के ऊपर साहित्य संसार का यू हरियाणवी कवि सम्मेलन पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया और जो भी आपकी सलाह सुझाव है उसकी हमने बांट रहेगी और इसके गिल्ले आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे और राम जी तय यही प्रार्थना करेंगे, हे राम सारे सुखी हो कोई ना हो दुखारी, हे राम सारे सुखी हो कोई ना हो दुखारी, भला हो सारे का रह स्वस्थ दुनिया सारी, रह स्वस्थ दुनिया सारी, राम राम।